हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर से लाया हूँ एक नया वीडियो। अगर आपका ब्रदर प्रिंटर में दोस्तों जो कॉपी एंड स्कैन का बटन, अगर बटन काम नहीं करता है तो आप आईडी कार्ड जेरेक्स करना बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अगर आप आईडी कार्ड की जेरेक्स अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में आपको होने वाला है। अगर आपको ये बटन अगर ख़राब हो गया है, कुछ भी आप काम नहीं करते, जैसे कि हमें यहाँ प्रेस कर रहा है, कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको भी ऐसे समस्या आ रहे हैं तो आपको आईडी कार्ड करने की जो आईडी कार्ड जेरेक्स करने का समस्या आती है, तो कैसे हम आईडी कार्ड को जेरेक्स करेंगे, कैसे तरीके किससे करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो अगर यहाँ पर अगर ठीक होता तो हम यहाँ पर रख के हम आईडी कार्ड को जेरेक्स करते थे, ठीक है। अगर ये वाला ऑप्शन अगर जो बंद हो गया, जो काम नहीं करता है, ठीक है, तो उससे हम कैसे हम आईडी कार्ड को प्रिंट करेंगे, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आईडी कार्ड को इस साइड में रखना है, ठीक है। रखने के बाद आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इस बटन को आप प्रेस कर देना है। तो एक साइड प्रिंट निकलने के बाद दोस्तों क्या करना है, दोस्तों इसको निकल लेना है, ठीक है। निकलने के बाद आपको इस ट्रे को थोड़ा सा खींचना है। खींचने के बाद जैसे आपको प्रिंट निकल के आता है, इसको उल्टा पोजीशन में आपको ऐसे रखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे घुसा देना है, आपको इस साइज पर रखना है, पूरा देखिए रख लेना है। रखने के बाद इसको, उसके बाद क्या करना है, उठा लेना। उठाने के बाद आपको इस साइड को यहाँ पर रख लेना है, फिर से आपको जेरस करना है। देख सकते हैं दोस्तों, आपको ऐसे करके आपको प्रिंट कर लेना है। अगर इस बटन अगर ख़राब है तो आपको ऐसे करके आपको जेरॉक्स करना है। तो वीडियो कैसे लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।